स्वागत है सभी का नए दिन और नए ब्लॉग में और मंडे की बात में। आज ज़रा बात करेंगे, कल जो हम हाइडलबर्ग गए थे ना, उसमें जो इंडियन रेस्टोरेंट था उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट कैसे होते हैं। कल दिखाया तो था थोड़ा, नहीं देखा तो कल का ब्लॉग देख लो जाके। उसमें इंडियन रेस्टोरेंट गए थे और बुशरा ने पहली बार वो इंडियन फूड ट्राई किया था, लेकिन मैं एक दो बार जा चुका हूँ। लेकिन आज उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे जो इंडियन रेस्टोरेंट है वो क्या इंडिया की तरह ही होता है या थोड़ा अलग होता है, और ख़ासकर हाइडलबर्ग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम जनरलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ के और इंडियन रेस्टोरेंट्स में इतना गए नहीं है। पर हाँ, जो हाइडलबर्ग में मेरे हिसाब से एक ही इंडियन रेस्टोरेंट है और काफ़ी, मतलब इतना बड़ा एरिया में नहीं जैसे अपने गए। कुछ रेस्टोरेंट बहुत बड़े होते हैं, ठीक ठाक साइज़ का था, ना छोटा ना बड़ा, मीडियम साइज़ का। और मेन्यू में आइटम्स तो सारे थे राइट, लेकिन कुछ जैसे मैं देख रहा था कि उसमें समोसा और पकौड़ा वगैरह था, पर समोसा जैसा इतना मेरे को लगा नहीं। मतलब लाइट सी स्किन का बड़ा सा, और पता है कितने का? 4 यूरो का। मतलब अपने यहाँ 10-20 सेंट का समोसा आ जाता है, उसका भी 4 गुना कर दो तो 1 यूरो का भी समझ आता है, पर भाई 4 यूरो का समोसा, और वो भी एक सिंगल, एक दो थे शायद उसमें, मतलब किसी ने ऑर्डर किया था। मैं तो पहले गया हुआ था तो हम तो सेफ साइड के लिए करी नान और देखा ही होगा अपनी बिरयानी मंगा लेते हैं ताकि सेफ रहें। और इन आइटम्स का प्राइस समझ आता है, इन आइटम्स का प्राइस मुझे मतलब सही लगा, क्योंकि वो भी 3-4 टाइम्स है। बट हाँ, वो करेंसी चेंज होता है और आइटम्स कुछ भाई इंपोर्ट करने पड़ते हैं या मसाले उनको लाने पड़ते होंगे कहीं ना कहीं जुगाड़ के, तो और जो भी उसमें मैन पावर लगता है बनाने में। पर हाँ, समोसा मेरे को ओवर प्राइस लगा थोड़ा सा, क्योंकि भाई 4-5 यूरो का, मतलब 3 यूरो की तो मैंगो लस्सी थी। और पर हाँ, जो यहाँ का रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे थोड़ा चलते हैं, वहाँ पे मुझे लगा कि जो खाना वाना है ना, खाना ऐसा रखते हैं कि जैसे मैंने ये बोला था कि जो बटर चिकन ला रहे हो उसको हल्का सा मीडियम स्पाइसी करना, मुझे मालूम था कि मीठा होता है पर हल्का सा स्पाइसी करना, लेकिन बटर चिकन आई थिंक उसके बाद भी मीठा ही था और बिरयानी स्पाइसी बोली थी, ठीक ठाक थी। तो यहाँ ना थोड़ा संभल के स्पाइसी करते हैं, क्योंकि बाकी जो भाई और लोग भी ज़्यादातर जर्मन से आते हैं या इंडियंस रहते हैं पर जर्मन से आते हैं, या हाइडलबर्ग वैसे एक टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे जैसे टर्किश लोग, अलग अलग जगह के लोग आते हैं और फ्रांस से, स्पेन से, तो भाई सबको अपने जैसे मसाले खाने की आदत नहीं है ना, तो सबको सूट करे तो इसीलिए उनके हिसाब से अगर स्पाइसी भी बोलते हैं ना, अनलेस एंड अंटिल अगर वो समझ जाए कि तुम इंडियन हो और वो समझ जाए कि हाँ भाई तुम अपने जैसे स्पाइसी खा सकते हो तो वो कर देंगे। क्योंकि मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम गया था तो जो ऑर्डर लेने आए थे उन्होंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि आप हिंदी में आज ऑर्डर दो, तो भाई हिंदी में ऑर्डर दिए। लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ, कल की नहीं, तो कल तो थे एक इंडियन ही, लेकिन उन्होंने जर्मन में बात की तो वो भी मज़ा आया सुन के। इंडियन बंदा इंडियन से जर्मन में ऑर्डर ले रहा है। लेकिन हाँ, उससे लास्ट टाइम की जो बात है उसमें उन्होंने बोला, मैंने कहा कि हाँ स्पाइसी एकदम कर दो भाई, एकदम सच बता रहा हूँ, जो हमारे साथ थे ना उसके थोड़े थोड़े आंसू निकले, लेकिन मतलब उसको खा के लगा, क्योंकि अपनी भी आदत थोड़ी बदल चुकी है ना यहाँ पे, तो उसको भी खा के लगा कि हाँ स्पाइसी है। पर जो बाकी करी या कढ़ाई, पनीर कढ़ाई चिकन या जो भी जितने अपने यहाँ जैसे होते हैं ना, रारा चिकन या कढ़ाई चिकन या करी भी बोलें, अगर उनको स्पाइसी बोलोगे ना तो भी अगर कोई इंडियन बंदा खा रहा है तो उसे नॉर्मल लगेगा, उसे मुझे नहीं लगता कि इतना स्पाइसी लगेगा। और यूजुअली अगर नहीं बोलो स्पाइसी तो जो नॉर्मली लाते हैं ना वो शायद तुमको ऐसा लगेगा कि यार इसमें मसाले कम हैं, अगर कोई अभी अभी इंडिया से आ रहा है मसाले वसाले एकदम पेल पाल के, तो ये चीज़ है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको ज़्यादा इतना स्पाइसी अपनी तरह और खाने की आदत इतनी रहती नहीं है, तो मेनली क्या है कि इंडियंस आते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट है, पर इंडियन क्यूजीन जो है वो और लोग भी हैं वहाँ, जो हाइडलबर्ग में लोग रहते हैं या जो टूरिस्ट आते हैं अलग अलग जगह से, वो भी ट्राई करें क्योंकि उनकी भी भीड़ रहती है, तो उनके हिसाब से खाना रखते हैं वहाँ। तो ये चीज़ है कि मतलब अगर ठीक ठाक खाना करना है कि यार स्पाइसी ना हो तो भी कढ़ाई वढ़ाई चिकन मंगा सकते हो, ये डर नहीं है कि भाई इंडियन रेस्टोरेंट है कढ़ाई चिकन होगा तो यहाँ भर देंगे स्पाइसी, उनको भी मालूम है भाई, उनको भी अपना वहाँ चलाना है तो उनको मालूम है कि अगर उन्होंने किसी का ऐसे स्पाइसी भर के दे दिया बिना बोले, और बोलने के बाद भी अगर ज़्यादा स्पाइसी करके दे दिया तो उनका रेस्टोरेंट ना बंद हो जाए। क्योंकि भाई लोगों की अलग अलग अपनी कैपेसिटी होती है स्पाइस झेलने की। तो और मेरे से भी उन्होंने पूछा था, जैसे मैंने बोला ना स्पाइसी, तो अपने क्या कि अपन बोलते स्पाइसी तो ठीक है स्पाइसी, उसने पूछा लो मीडियम हाई,
क्योंकि उसे मालूम है भाई धीरे धीरे लेवल बताओ। मैंने तो बोला कि भाई एक का मीडियम रखो और एक का हाई रखो, पर तब भी हाई वाला भी देखो अपने इंडियन जैसा हाई नहीं रहता, मतलब तुम लोग उसे या कोई भी जाएगा तो मीडियम ही कहेगा उसको। तो ये मेरे को रेस्टोरेंट का, ये तो खाने का रिव्यू था। सेकंड चीज़ प्राइस का, प्राइस देखो ऑब्वियसली थोड़ा महंगा ही रहेगा, कंपेयर करोगे अगर रुपीज़ में हर चीज़ कन्वर्ट करके तो इट्स बेटर कि यूरो में ही देखो। बट अगर इंडिया में भी कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं राइट, और यहाँ का जो रेस्टोरेंट का प्राइस है, क्योंकि आई थिंक हाइडलबर्ग का एक ही इंडियन रेस्टोरेंट मुझे लगता है कि ये है और काफ़ी जो चर्चित है, तो उस हिसाब से प्राइस मेरे को सही लगा। मतलब ऐसा नहीं लगा कि भाई बहुत ज़्यादा है या बहुत ओवर प्राइज्ड है या ये है, क्योंकि अगर इंडिया में भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो इतना ही प्राइस रहता है। बट हाँ, जो एक चीज़ मेरे को लगी वो ये थी कि जो क्वांटिटी है ना, अब अगर इंडिया में भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं प्राइजी भी होता है बट क्वांटिटी ठीक रहती है, क्वांटिटी कंपेरेटिवली ना, मतलब अगर तुम फुल डिश मंगा रहे हैं तो उसकी हाफ या मेरे को क्वार्टर से थोड़ी ज़्यादा उस टाइप के छोटे छोटे बाउल्स रहते हैं। बिरयानी की सही थी बट नॉर्मली सबके छोटे छोटे बाउल्स रहते हैं। तो ये हो सकता है कि अगर ये सोच के जाओगे कि इंडिया में भाई इतने पैसे दे रहे हैं और इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, वो अपने हिसाब से क्वांटिटी करते हैं और सही था। लेकिन एक करी, एक बिरयानी और अगर नान मंगा लो तो भाई दो लोगों का भर के पेट भर गया था, ऐसा नहीं था कि क्वांटिटी कम हो। तो ये चीज़ है क्योंकि एकदम टाइट हो गए थे भाई लास्ट में, देखा ही होगा और फिर कह रहा हूँ देख लो जाके ब्लॉग। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि हाँ प्राइस भी सही है, क्योंकि भाई हाइडलबर्ग में अब इंडियन खाना, हाइडलबर्ग में अगर बटर नान और कढ़ाई चिकन ये सब खाना है तो पैसे तो सही है लगेंगे इतने, और अगर यहाँ जर्मन क्विजीन, टर्किश क्विजीन कुछ भी खाते हो कहीं जाके तो ऑलमोस्ट इतना प्राइस रहता ही है एक फुल मील का, 20-23-25 यूरो तो इतना तो होता ही है। तो इट्स गुड प्राइस। और सेकंड चीज़ अंदर आर्टिफैक्ट्स और पेंटिंग्स और वो काफ़ी एकदम इंडियन माहौल बनाया हुआ था, अलग अलग पेंटिंग्स और वो सब रख के जो खाना देते हैं, जो ऑर्डर लेने आते हैं, अगर वो समझ जाते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश या इनको हिंदी आती है तो वो पूछ लेते हैं कि आप हिंदी में बोल दो या हिंदी में ऑर्डर दे दो, कि थोड़ा वो है। जैसे कल जब मैं बिलिंग कराने के लिए तो मेरे आगे कोई अंकल थे, वो बिलिंग करा रहे थे, तो उनसे क्या पूछा था, आप जलंधर, पता नहीं ऐसी कुछ पूछा था कि आप जलंधर पंजाब से हो या ऐसे, तो जो बिलिंग कर रहे हैं वो इंडियन है, वो एकदम हिंदी में बात कर देंगे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं, अगर आप बोलोगे इंग्लिश या जर्मन तो यूजुअली वो जर्मन में बोलते हैं कि हाँ इतना और या ये चीज़, या ऑर्डर लेंगे तो जर्मन में लेंगे, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि आप क्या बोलोगे। लेकिन हाँ, अगर उनको थोड़ा आइडिया लगता है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हो या, तो पहले पूछ लेते हैं आप हिंदी में बोल दीजिए या ये है वो है, तो उनको भी मालूम है ना हिंदी में बंदा अपना जो ऑर्डर है वो एकदम और सटीक समझा देगा कि हाँ भैया थोड़ा ऐसा कर दो। जर्मन में ही बंदा बोल लेगा पर हाँ हिंदी में ऑर्डर दे दो तो और सही है, मतलब सही है जिसको जैसा कंफर्टेबल लगे, और सही कम सही तो क्या ही है। तो यही था रिव्यू, और बस जाके ट्राई करो, राजा रानी रेस्टोरेंट का नाम है, ब्लॉग में देख लेना, मेन्यू दिखाया था, रिएक्शन भी देखते हैं वो होगा। और बस यही था आज की मंडे की बात के लिए, और यही थोड़ी बात करनी थी क्योंकि कल मुझे लगा कि हाइडलबर्ग जाना तो हाइडलबर्ग देखो, और रेस्टोरेंट के बारे में आज बात कर ही ली है। तो यही था आज की मंडे की बात के लिए, और बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि टाइम लगता नहीं। बाय बाय, और कल मिलते हैं।